अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुश आमदीद जी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए जी। तो हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की, यानी कि बेटा होगा या बेटी? अच्छा, सबसे पहले मैं आपका एक जो है गलत कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना चाहती हूँ। वो ये कि देखिए, आपने अपनी अक्सर जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन के ऊपर ये तस्वीर देखी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बराबर में जो है वो लिखा हुआ होता है बीपीडी वगैरह सब चीज़ें, और आगे ये भी लिखा होता है सेक्स फीमेल। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि यानी कि सेक्स फीमेल उस पर लिखा है तो आपके पेट में बेटी है तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड पे लिख के दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे तो लिखना पहली बात है इस तरह से जुर्म है, और आप मैनुअल भी नहीं लिख सकते, हाथ से भी नहीं लिख सकते, ना आप इसको प्रिंट आउट कर सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो सेक्स फीमेल लिखा होता है इससे मुराद माँ की जिन से, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड करवा रही है उसका सेक्स फीमेल है, यानी कि आपके होने वाले बच्चे का सेक्स फीमेल नहीं है। तो ये आपका जो है ये गलत कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती थी। अक्सर लोग मिसगाइड करते हैं आपको इसको लेके। अगर इसकी जगह आदमी अल्ट्रासाउंड करवाने जाएगा, जाहिर है आदमी पेल्विक का तो नहीं कराने जाएगा, आदमी पूरे पेट का करवाने जाएगा, इंटेस्टाइन या एक्सवाइजेड कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाएगा, तो ऊपर उसकी फिल्म के ऊपर सेक्स मेल लिखा होगा। उम्मीद करती हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ जी। तो कैसे पता लगेगा कि अल्ट्रासाउंड पे कि हमारे बीच में लड़का है या लड़की है जी? तो ये आप तस्वीर जरा गौर से देखिए। जब कोई लड़का पेट के अंदर होता है तो ऐसी पिक्चर पेश होती है, आप ये देख सकते हैं। ये पिक्चर में जो है आप टेस्टिस जो है वो वाजे देख सकते हैं, और सामने जो है वो आप पेनिस भी देख सकते हैं, यानी कि इमेज हमें इसमें अक्स नजर आता है। देखिए 100% श्योरिटी कोई भी नहीं लेता अल्ट्रासाउंड पे। हाँ, आप छठे महीने पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपकी 99% जो है 99% वही जेंडर वही सेक्स होती है जो कि आपको डॉक्टर बताता है, लेकिन फिर भी 100% डैम श्योर नहीं होता क्योंकि अल्ट्रासाउंड हमें जस्ट एक अक्स दिखाता है। तो इसलिए ये तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है कि क्या होगा, और असल चीज तो पैदा होने के बाद ही पता लगती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीनों पे हम सिर्फ 99% जो है वो देख सकते हैं। हाँ, अगर आप 5 महीने से पहले करवाते हैं तो फिर तो आप सिर्फ 30% या 50% ही देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पता लगा सकते क्योंकि शुरू के मध्य में बिल्कुल भी जो है बेबी सेक्स सही से वाजे तौर पर नजर नहीं आती है। अच्छा जी, चलते हैं हम लड़की की साइन की तरफ। जब कोई लड़की पेट में होती है तो इसका साइन कुछ इस तरह से होता है, तस्वीर में देखिए जी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लाइक चीज बर्गर जैसा होता है कि बर्गर के बीच में जैसे चीज रखी हुई हो, ये एक साइन होता है। तो इस तरह से आपको अल्ट्रासाउंड पे नजर आएगी। बकायदा आप अपनी डॉक्टर से कह सकती हैं, जैसे आप अपने डॉक्टर से सेक्स पूछे वो नहीं बता रहे, तो आप उनसे ये कह सकती हैं कि आप अच्छा हमें स्क्रीन पे दिखा दें बेबी सेक्स की तरफ प्रॉब रख के, तो फिर वो आपको स्क्रीन पे दिखा देंगी। ये अलाउ होता है, तो आप उससे खुद ही जज कर सकते हैं कि आया कि आपको ये चीज बर्गर साइन मिल रहा है या फिर आपको मेल की तरफ ज्यादा साइन मिल रहा है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा, एक बात और बताते चलूँ कि एक मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो अपलोड किया है, आप लोगों ने शायद उसको नहीं देखा, जल्दी जल्दी चैनल में जाके वो लाजमी देख लीजिए कि क्या किस करने से यानी कि क्या चूमने से HIV एड्स या हेपेटाइटिस जैसी लाइलाज बीमारी ट्रांसफ़र होती है या नहीं। बहुत ही डिटेल में हमने ये बताया है टॉपिक कि हाँ ट्रांसफ़र होती भी है और ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकती, तो ये आप डिटेल लाजमी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज गेन होगी। क्योंकि देखिए किस दो तरह की होती है, एक जो हम अपने बच्चों को करते हैं और एक जो हम अपने पार्टनर यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ करते हैं, तो उसमें बिल्कुल ये ट्रांसफ़र बीमारी हो सकती है।
उसकी एहतियातें क्या है आप ये वीडियो में लाजमी देख के हमें बताइएगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।